दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं दिल्ली के एंड में हूं और आप देख रहे हैं चारों तरफ का माहौल। मैं इस समय दरगाह में हूं, हज़रत बाबा बदरुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है ये और उनके सेवादार हैं हज़रत हाजी सूफी सागीर अहमद कादरी रहमतुल्ला अले और ये इनका 38वां उर्स यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हैं और बात करेंगे कि आखिर उर्स क्यों मनाया जाता है और किसान आंदोलन लगातार चल रहा है तो किसान आंदोलन को लेकर क्या यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं कि वो किसान आंदोलन भी सफल हो। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों नूर मोहम्मद जी मेरे साथ हैं और जो आज ये 38वां उर्स यहाँ पर मनाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नूर मोहम्मद जी, क्या है ये पूरा थोड़ा सा बताएं। ये जो दरबार है दिल्ली कैंट हजरत सैयद बाबा बदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, इनके जो खादिम खास थे, जो सेवादार थे हमारे पिताजी हाजी सूफी सगीर अहमद कादरी, 39 साल पहले वो पर्दा ले चुके थे, इनकी खिदमत करते थे, सेवा करते थे बदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। आज 39 साल हो गए उनको इस दुनिया से पर्दा लिए हुए रुखसत हुए हुए। उनका 38वां उर्स मुबारक है ये और इस उर्स मुबारक के मौके पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक मैसेज है हमारे मुल्क के अंदर, उस एकता का ये प्रतीक है। इसमें हर तरह का, हर मज़हब का इंसान यहाँ पर आता है हमारे दरबार में और यहाँ के जो आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं और हमारे पीर भाई हैं, मेरे बड़े भाई जनाब अलहाज ख्वाजा जलालुद्दीन मुस्तफ़ाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनके साथ हमारे भाई सूफी सालिम साहब साबरी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और उनकी पूरे टीम उनके साथ है और हमारे सूफी जी बाबा सुरेश साबरी साहब गोला डेरी से भी तशरीफ़ लाए हैं, मुकेश साबरी साहब भी आए और बहुत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे शास्त्री पार्क से वेलकम से जनाब खलीफा जावेद साबरी साहब भी यहां पे तशरीफ़ लाए हैं और ये एक प्यार का इजहार है, बुज़ुर्गों का करम है कि हम पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं। इन दरबारों से लोग फैज़ पाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हर मजहब का इंसान यहाँ पर आता है। हमारे दिल्ली कैंट के अंदर ये दरबार
मुग़लों से है, बहुत पुराना दरबार है और 100 साल से हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं दरबार की। पहले हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हमारी माताजी और उसके बाद मैं इस दरबार में सेवा कर रहे हैं और हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत है। हमारे यहाँ पे हर तरह का इंसान आता है, हमारे फ़ौजी भाई, उनके परिवार वाले दुखी आते हैं और खुशियाँ ले के जाते हैं, बेऔलाद आते हैं, औलाद ले के जाते हैं। यहाँ हर तरह का जितना भी हमारा सरकारी महकमा है, तकरीबन हर तरह से, हर दफ्तर से, हर यहाँ की कंपनी के जितने भी हमारे जो फौजी भाई हैं, अफसर हैं, वो तक यहाँ पे चादर पेश करते हैं। और यही है हमारे एक हिंदू मुस्लिम, वो जो कहते हैं ना, एक तहजीब है गंगा जमुनी, वो चलती आ रही है इस दरबार से और इंशाल्लाह सबके साथ रहेगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा करम, और सबके लिए हम लोग दुआ करते रहेंगे। मेरा नाम सूफ़ी सालिम कादरी चिश्ती साबरी है और हम सरकार के अकीदतमंद गुलामों में से हैं। जैसे अभी हमारे भाई हाजी नून ने फरमाया, वो बात बरहक है। और यहाँ सबसे बड़ा करम यही है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना तहजीब का परचम लहराता है और यहाँ से लोगों को, सभी जातियों को फैज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि यहाँ बल्कि मुस्लिम कम हैं और गैर मुस्लिम बहुत होते हैं। और यहाँ जब शादी ब्याह होते हैं गैर मुस्लिम भाइयों के, तो यहाँ से वो जोड़ा, पहले बारात दूल्हा यहाँ आता है और आगे बारात लेके जाता है। और वह खुशी से जितनी बारातें हमने देखी आज तक अपने नज़र में 30-40 सालों में, जितना भी हमने बचपन से लेके अब तक दौर गुजरा है, उस हालात अपने भाई के साथ जो गुजारा है टाइम, देखते हैं सभी वो जोड़े सलामत हैं और बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। आज उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर हम सब लोग हैं और हमारे साथ अभी भी हमारे सब भाई वही मौजूद हैं यहाँ। और इस खुशी को बरकरार रखे खुदा, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। यहाँ सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं और इस प्रोग्राम को कराते हैं और हमारे कैंट छावनी के लोग जो यहाँ पे हमारे फौजी भाई भी इसमें सहयोग करते हैं और उनका भी बहुत यहाँ से अकीदतमंद है लोग हैं वो लोग, और उनका यकीन है कि यहाँ आते हैं तो हमारा काम बन जाता है। सर अभी जो वर्तमान हालात हैं देश के, तो क्या उन हालातों को ठीक करने के लिए भी दुआएं यहाँ से होंगी? जी, दुआएं बरकरार हो रही हैं, हम अपनी जगह से भी करते हैं और आज यहाँ से भी दुआएं हो रही हैं, रोज़ाना हो रही हैं। और हम चाहते हैं हमारा भारत जिस दौर से गुजर रहा है और हमारे किसान भाई जो रोडों पर हैं और इतने 190 के आसपास जो लोग ख़त्म हो गए उसके अंदर, और बहुत दुख दर्द भरी बात है ये जो हालात बने हैं। और हम तो ये चाहेंगे बस अपनी सरकार, क्योंकि एक पिता होता है जो भारत का प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो पूरे भारत का पिता है, क्योंकि वो किसी जाति का नहीं होता, वो खास वो सभी का पिता होता है। और हमारी तो रिक्वेस्ट है बाबा के, सरकार की दुआ करते हैं कि वो इस चीज़ को जब ना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसको ना दें, ना बनाएं, क्यों अपनी एक खुशी और कोई किसी के लिए या जो भी है जो उनका प्लान है वो उस चीज़ को छोड़ करके अपने किसान भाइयों की, उनके अपने औलाद की वो कहना मान लें, उसको रद्द कर दें। नहीं तो प्रधानमंत्री का हुक्म सर माथे पर है, जैसा चाहें वो कर सकते हैं, उनके हाथ में प्रशासन भी है, सब कुछ उनका है और हम भी उन्हीं के हैं, और उनका हक बनता है कि हम अपने बच्चों की फरियादों को सुने। बस यही इल्तजा है हमारी अपने PM साहब से कि हम यहाँ से सरकारों में दुआ करते हैं कि हम सबका भला हो और हम एक रहें और वो पिता बन के रहें और दोबारा से किसान भाई उनके सगे हो जाएँ, सब एक होकर के रहें, हमारे भारत की ताकत। कभी सालिम कादरी चिश्ती आज अपने पीरो मुर्शिद, अपने आका और अपने शहनशाह के साथ मौजूद हूँ, ख्वाजा जलालुद्दीन कादरी चिश्ती साबरी जो मौजूद हैं यहाँ, और मेरे भाई भी और दोस्त भी, जो मेरे दोस्त मिले हैं मुझे, शहनशाह मेरी जान की जान है, जो कि हाजी नूर हसन साहब जो बैठे मौजूद है ये, और इनके प्यार, इनकी सरपरस्ती जो यहाँ मुझे मिली है, जो खुशहाली मिली है, और यहाँ हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का प्यार देखा है, मुसलमान हिंदू भाई सिख ईसाई को जाना चाहिए, और वो प्यार दोबारा से मुझे दिख रहा है, हमारे भारत में एक हो रहे हैं हम लोग। और साथ में इनके बच्चे मेरे खलीफा मोहम्मद जाकिर हैं, तशीफ वर्मा हैं इनके, वो मेरे पोते हैं, विकास है, साजिद है, और पीछे हमारे इसरार साहब हैं, और अब इधर खुसूसन ये मेरा सुरेश बेटा आया है जो अब्बा का रिश्ता बनाया है मैंने, और इस सिलसिले में बहुत मजबूत कदम रखते हैं और ये बहुत लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये भी ख्वाजा नूर हसन चिश्ती साबरी दरबार के खादिम हैं, और अल्लाह इन्हें, मेरी दुआ है
कामयाबी अता फरमाए और मेरे ख्वाजा जलाल मियाँ का इनको सदका मिले और बदुद्दीन सरकार की हम चौखट में बैठे हैं जो बुजुर्गान दीन है, बगैर इनकी रहमत से कुछ नहीं मिलेगा। और उनके खादिम हुजूर सगीर मियाँ की बारगाह इलाही में हम मौजूद हैं, जिनका 39वां उर्स 38वां उर्स मनाया गया जा रहा है और आज ये उसकी हम कहते हैं शुरुआत है और ये आगाज़ है कि अल्लाह इसे और बड़ा करे। और हमारे साथ में हमारे ये बेटे हैं, साहबजादे हैं हमारे सिलसिले से, और हमारे बेटे साहबजादे जावेद मियाँ हैं जो हमारे हाजी नूर साहब के पीर भाई भी हैं, और अल्लाह इन्हें सलाहियत अता ख्वाजा जलालुद्दीन के दामन से भी रूबरू करा दे, अल्लाह इन्हें बरकतों से नवाजे। और मेरा अशफाक इधर बैठे हुए ये भी बहुत खिदमत करते हैं, सभी जातियों की बहुत दिल से खिदमत करते हैं, और इनके ये छोटे भाई मोइनुद्दीन राजा हैं जो तैयार हो रहे हैं खिदमत के लिए सभी जातियों के लिए, और जितने मेरे बच्चे और भाई यहाँ मौजूद हैं और जो अभी महफिल चालू हो रही है और हमारे कवाल बच्चे आए हुए हैं जो महफिल की शमा जो रौनक बांध रहे हैं, ये हमारे हुजूर सगीर मियाँ की दरगाह है जो खादी में आप बदुद्दीन शाह शहनशाह के, आज इनकी शान मर ये महफिल रखी गई है और आपके ये आपके शहनशाह सगीर मियाँ के हुजूर ख्वाजा बदुद्दीन साहब जिनकी रहमत से सारा यहाँ करम बरस रहा है, खुदा की रहमत बरस रही है, जिनके बदौलत हम सब लोग जमा हैं बेशक, और यहाँ सभी जाति बहुत प्रेम भाव से रहती हैं, बस यही मेरा कहना है। और हमारे भारत में चैन अमन आ जाए और हम सब लोगों की ये दुआ है, और अभी रात भर यह दुआ चलेगी और ये दुआ के सिवा कोई काम नहीं, आप खा के वतन हो जाए हम अपने वतन के लिए, और यही दुआ है हमारी। तो दोस्तों ये तमाम लोग थे और अलग अलग बातें आपने सुनी और कव्वालियाँ भी चल रही हैं इस समय, यही खूबसूरती हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब जिसे तमाम लोगों ने कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है, हर किसी के दिल में प्यार है, बस प्यार देखना आना चाहिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। शुरू हो जाओ।